साजिश कहती होंगी है, पोलिटिकल लोगों का माड़ा मोटा तो चलता ही होंगे। तो पंजाब है जी, पंजाब दे विच कोई खटका धड़का तो पोलिटिकल लैवल तो हो। सियासी पार्टियों में आपसी तकरार चलता रहता है, ऊपर से यह है पंजाब है, पंजाब में ऐसा खड़का थड़का तो चलता ही रहता है। जलालाबाद में सुखबीर बादल पर हुए हमले को लेकर ऐसा कहना है गुरदासपुर के हलका कादियां के कांग्रेसी एमएलए फतेह जंग सिंह बाजवा का। नगर काउंसिल कादियां के चुनाव को लेकर फतेह जंग बाजवा कांग्रेस के उम्मीदवारों के कागज नामजद करवाने तहसील कादियां पहुंचे हुए थे। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा कांग्रेस के उम्मीदवारों के कागज तो नामजद कर लिए गए, लेकिन श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवारों के समय ज्यादा हो जाने के कारण बताकर कल आने को कहा गया। ये पॉलिटिकल लोगों का माड़ा मोटा तो चलता ही होता है। तो पंजाब है जी, पंजाब दे विच कोई खटका धड़का तो पॉलिटिकल लैवल तो हो सकता, पर मेरा नहीं ख्याल इस लैवल तक किसी नूं जाना चाहिए। मैनू इस खबर का पता नहीं, पर मैनू भी इत्थे पता लगा है इस खबर बारे, और मैं समझना मंदभागी है। ये एक जिहड़ा इलैक्शन का रोल है, जिहड़ा इलैक्टोरल वोटां पैंदियां ने, ये तो उस बंदे नूं ये तो खुल दिली ना पैनिया चाहिए, तो कभी किसी को ना डकना। सरकार आदि जाए जी, अज कांग्रेस की सरकार है, कल के होर भी हो सकती है। सो असी समझने भी फेयर एंड फ्री इलैक्शन होनी चाहिए, और किसी भी किसी नाल कोई धक्का करन दा ना इत्थे कीता जाऊगा, और असी बड़ा फेयर इलैक्शन करांगे। वहीं श्रोमणी अकाली दल के जथेबंधक सचिव गुरु इकबाल महाल ने SCPC सदस्य गुरिंदर पाल सिंह गोरा का कहना था कि अकाली दल के उम्मीदवारों के कागज जमा करवाने के लिए तहसील कादियां में 2 बजे पहुंच गए थे और उनको बिना वजह ही इंतजार करवाया गया, और बाद में समय बीत जाने का कहकर उनके कागज जमा नहीं किए गए और कल आने का समय दे दिया गया है। उनका कहना था कि उनके उम्मीदवारों को अपना नाम वापस लेने के लिए भी धमकाया जा रहा है। मैं तो गुरकबाल सिंह माल, सरदार जरनैल सिंह माल री साढ़े सत्कारयोग अं आए हाँ। आण के जो अं पहुंचे इतने 2 बजे, तो जी पुलिस प्रशासन जी उन्हें कहा दूजे धड़े वाले जी कांग्रेस वाले वो अंदर बैठे आ, तो तुम रुक जाओ, तुहाडे कागज लै ले जाएंगे। 15-20 मिनटा बाद मुड़ के सू मिलाया भी गया अंदर खड़ के, तो उन्होंने भी कहा कि कोई गल नहीं, मैं तुहाडे कागज रिटर्निंग अफसर साहब ने कहा लै लाँगा। अही दोबारा जदों 3:10 से इस हल्के MLA साहब के नाल उन्होंने बाकी जड़े इतों के कैंडीडेट तो बाहर के लोग जोड़े शामिल हैं उन्होंने वापस गए ने, फिर अं दोबारा जाके मिले हाँ। पर सू कही गई है जे तुम हूँ कागज दें दो, मैं तो लै लाँगा, पर ताडे लई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मैं टाइम हूँ दा पाउणा। देखो जी, अं अज ताडे सामने तो हम टाइम नोट किया, 2 बजे फाइलां लैके आ गए। अंदर जान बुझ के कादियां MLA अपने बंदे लैके बह रहा, तो 1 घंटा पुजन तक टाइम ओवर नहीं हो गया, वह बह रहा हूँ फाइलों के उत्ते टाइम पैना ही, 3 बजे तो उत्तर टाइम हो गया ही। इलैक्शन कमीशन की हिदायत है भी 11 तो लैके 3 बजे तक फाइलों जमा करवानी है, तो इस करके जो अज फाइलों दें तो वो तो इन्होंने जान बुझ के लेट कीतियां ने, RO भी उन्होंने नाल दबा थले है, तो इस करके अं अज नहीं करवाइया, हूँ अं कल फाइलों जमा कराएगा श्रोमणी अकाली दल। वहीं रिटर्निंग अफसर कादियां नायब तहसीलदार अमरजीत सिंह का कहना था कि उनके पास अभी तक 27 उम्मीदवारों के कागज जमा हो चुके हैं, समय ज्यादा हो जाने के कारण श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवारों को कल का समय दे दिया गया है। अच्छा, टोटल 27 नॉमिनेशन जो पेपर है वो मेरे को इतने जमा हुए जी। हाँ जी, लगभग कांग्रेस पार्टी ले जी, उन्होंने कैंडिडेट आए। सर, अकाली दल के जो कैंडिडेट्स उन्होंने कहना जैसे 2 बजे आ चुके थे, पर सानू अंदर बुलाया नहीं गया जान बुझ के, तो सानू हुण साढ़े फाइल नहीं ले गए। नहीं, बिल्कुल गलत है जी, मेरे को कोई नहीं अंदर आया, जे आया होंगे तो मैं कभी इग्नोर नहीं करता। नहीं, कंपलैक्स नहीं, मेरे कंपलैक्स के अंदर तो बाहर तो कोई भी हो सकता, मेरे को अंदर लैके फाइल कोई नहीं आया सी। मेरे को जड़े फाइल लैके आए, मैं उन्होंने रूटीन जी है जो भी नॉमीनेशन लाए, और वो बाद में मेरे को आए थे भी असं भी आए हैं तुम ले लो, पर वो टाइम 3 बजे बज चुका है, मैं उन्होंने कल का टाइम दिता भी कल तुम 11 बजे जो आ जाओ उस टाइम का टिका ले जाएंगे। गुरदासपुर से जसविंदर बेदी की रिपोर्ट। सत श्री अकाल जी दोस्तों, मैं थोड़ा अपना निर्मल सिद्धू। दोस्तों, सच्चियां ते खरियां खबरां सुनने वास्ते सांझा मुद्दा चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।